हेलो गाइस, वेलकम टू एडुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एडुगिरी पर हर रोज हम 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच डिस्टर्ब्स सेवरल सेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। तो माइक्रोसॉफ्ट में कल कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से सेक्टर्स लाइक दैट ऑफ बैंकिंग, एविएशन, टीवी चैनल्स, टेली कम्युनिकेशन, ये सब कुछ इफेक्ट हुआ। कुछ फ्लाइट्स डिले हुई, कुछ कैंसिल हुई ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। यहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी फॉर्म विंडो सिस्टम का साइबर सिक्योरिटी फॉर्म थी जिन्होंने एक अपडेट दिया था कुछ थ्रेट से लड़ने के लिए, एंड वो ही जो अपडेट था और उसने बहुत चीज़ें खराब कर दी। अ फॉल्टी अपडेट नॉक्ड आउट सेवरल विंडो कंप्यूटर्स एंड सेवरल अराउंड सर्वर अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे अ फॉल्टी अपडेट नॉक्ड विंडोज कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स, ठीक है ना। और ये जो अपडेट था ये कौन लेकर आया था, अपडेट पार्ट ऑफ, ये कंपनी का नाम, पार्ट ऑफ फैल्कन। तो एक थ्रेट आया था फैल्कन एंड पॉइंट थ्रेट डिटेक्शन, तो ये थ्रेट डिटेक्ट किया था, ठीक है ना। और इसके ही रिस्पांस में ये डिटेक्ट जो थ्रेट था उसका नाम है, और उसके ही रिस्पांस में एक अपडेट बनाया गया था, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेवलप्ड इन रिस्पांस बाय क्राउड स्ट्राइक। तो क्राउड स्ट्राइक नाम की एक कंपनी ने इसका अपडेट बनाया था जो कि एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। साइबर सिक्योरिटी जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है, जो थ्रेट्स होते हैं, जो हैकिंग वगैरह होती है उससे बचाती है ये, उससे बचाने के लिए ये अपडेट लाए थे विंडोज़ में, एंड वो गलत हो गया, राइट। तो वहाँ पे हाँ, एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ क्योंकि कैंसिल हुई फ्लाइट्स, लोगों को हैंड रिटन आपके बोर्डिंग पासेस दिए गए, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ, डिले हुई फ्लाइट क्योंकि सिस्टम्स नहीं पता चला। कुछ कह रहे थे कि एयर के अंदर ही फ्लाइट को रहना पड़ा, लैंडिंग में दिक्कत हुई। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें क्या रखना है कि विंडोज़ से रिलेटेड इशू था, फैल्कन एंड पॉइंट थ्रेट का नाम है, वो कंपनी जिसने इस थ्रेट के लिए कुछ अपडेट बनाया था वो क्राउड स्ट्राइक उसका नाम था, ठीक है ना। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रही है क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन दे दी है, कोटा दे दिया है, एंड लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये कोटा जो है आप वापस लीजिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नेबरिंग कंट्री में रिजर्वेशन को लेकर, कोटा को लेकर इन गवर्नमेंट जॉब्स प्रोटेस्ट चल रही थी, बांग्लादेश इज द आंसर। उसके बाद शिवाजी आइकॉनिक वाघ नाक ऑन डिस्प्ले एट सतारा म्यूजियम। अब सतारा म्यूजियम कहाँ पर है, द हिस्टोरिक वाघ नाग द टाइगर क्लॉ शेप्ड वेपन रिपोर्टेडली यूज बाय मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज टू किल बीजापुर सल्तनत जनरल अफजल खान हैज़ बीन पुट ऑन डिस्प्ले एट सतारा म्यूजियम ऑन फ्राइडे फॉर द नेक्स्ट 7 months। द वेपन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम लंडन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम ऑन जुलाई 17 टू कमेमोरेट 350th एनिवर्सरी ऑफ मराठा रूलर्स असेशन एंड रिसीव। तो ये महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे शिवाजीज आइकॉनिक वाघ नाक ऑन डिस्प्ले एट सतारा म्यूजियम, सितारा म्यूजियम पे डिस्प्ले पे है। अब ये जो वाघ नाक है ये क्या है, टाइगर का जो पंजा होता है उसके शेप्ड वेपन है, ठीक है ना। यूज्ड बाय मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज टू किल
बीजापुर सल्तनत जनरल अफजल खान, ठीक है ना। अब ये कहाँ से लेकर आया गया है? ब्रॉट इन फ्रॉम वेपन, ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम लंडन विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। टू कमेमोरेट, टू कमेमोरेट 350th एनिवर्सरी ऑफ मराठा रूलर्स असेशन टू द थ्रोन, ठीक है ना। तो ये लेकर आए हैं, तो ये पूरी स्टोरी है इसकी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको। तो आंध्र प्रदेश में भी जैसे विकसित भारत की इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है, वैसे ही आंध्र प्रदेश में कह रहा है कि हमको डेवलप स्टेट बनाना है आंध्र प्रदेश को। तो वो कह रहे हैं विकसित आंध्र प्रदेश 2047, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए मार्क किया, नीति आयोग के सीईओ कौन है? आयोग सीईओ इज बीवीआर, जैसे पीवीआर होता है वैसे बीवीआर, पी की जगह बी, सुब्रमण्यम, ठीक है। पीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। आगे चलेंगे रिसेंटली। अब यहाँ पर हम हर रोज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट सर्वे हो रहे हैं उसके अंदर कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सर्वे कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने सर्वे करे हैं तो इनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो ये पढ़ते हैं, रिसेंटली साइटिंग अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट दैट सेड दैट 8 करोड़ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन द लास्ट 3 to 4 ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट अक्यूज द ऑपोजिशन ऑफ क्रिएटिंग फॉल्स नरेटिव्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि कितनी जॉब्स बन गई हैं, कितनी जॉब्स बनाई गई है? 8 करोड़ जॉब्स क्रिएटेड इन 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। मिस्टर मोदी कोटेड आरबीआई डाटा मैनुअल रिलीज्ड ऑन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा मैनुअल कॉल्ड द इंडिया क्लेम्स डाटाबेस, ठीक है। विच डिस्क्राइब प्रोसीजर मेथोडोलॉजी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया क्लेम्स डाटाबेस वर्जन, द डाटाबेस इंक्लूड्स मेजर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ। सुन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी रिपोर्ट आई, ठीक है ना। अब इसमें क्या आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया also came up with an employment report, ठीक है, employment report। और इसके अंदर even if we exclude agriculture the total number of jobs created, ये क्या कह रहे हैं, even if agriculture is excluded टोटल नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इज 8.9 करोड़ इन 14 to 23, दैट इज 2014 से 2023 तक, एंड 6.6 करोड़
बिटवीन 2004 टू 2014। ये कांग्रेस का एरा हो गया, ये बीजेपी वाला हो गया, तो ये बता रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद रिलीज्ड विच इज़ नियरली इक्वलेंट टू दिस एज पर द रिसेंटली रिलीज दिस सर्वे, दिस टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, इनके सर्वे का नाम क्या है, ASUSE, दैट इज एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। तो ये असूस जो है, ये रिपोर्ट्स आई हैं, तो ये पता होना चाहिए, जितने भी एसे राइटिंग वाले बच्चे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब रॉन्ग हेडेड पॉलिसी, रॉन्ग हेडेड पॉलिसी क्या होती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कर्नाटका वाला जो इशू है, जो कर्नाटका के अंदर रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट जॉब्स के अंदर लोकल्स के लिए, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पर ओपिनियन जो एडिटर दे रहा है वो कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है, अलाउज रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रेजिडेंस बट लिमिट्स टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली, जो रेजिडेंस बेस्ड आपकी रिजर्वेशन है, ठीक है ना, वो सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स तक ही सीमित रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा इसका, ठीक है। तो ये बात करी है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओपिनियंस और भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर दे डूइंग, कर्नाटका गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट पहली नहीं है जिसने ऐसा किया है। हरियाणा में भी ऐसा एक लॉ आया था, ठीक है ना, झारखंड में भी, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो ऐसा लेकर लॉज लेकर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में माइग्रेंट वर्कर्स। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कर्नाटका वालों ने जो रिजर्वेशन दी है वो प्राइवेट के अंदर दी है, ठीक है ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में, दैट इज़ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं कि रेजिडेंस के बेस पे आप जो है रिजर्वेशन दे सकते हो, राइट। अब इसके अंदर वो रीजंस देख रहे हैं कि क्यों, वाई, ये जो NLSAT वाले हैं वो ये ज़रूर पढ़ें अच्छे से, और इसमें ऐसे राइटिंग निकलता है बहुत कि क्यों करा, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरी स्टेट से वर्कर्स आ रहे हैं, जिस स्टेट में आ रहे हैं उन स्टेट के लोगों की जॉब्स खा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को ये करना पड़ रहा है। लोकल लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स मतलब अदर स्टेट्स से जो वर्कर्स आ रहे हैं वो हमारी जॉब्स को लेकर के जा रहे हैं, इसलिए रिजर्वेशन ये लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है, उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बात आ रही है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम देख ही पा रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट आ रहा है मतलब सूखा पड़ जाता है, ओवर रेनफॉल हो जाती है, हैवी रेनफॉल हो जाती है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, ठीक है ना, हीट वेव्स आ जाती हैं या कोल्ड वेव आ जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाना, तो इन सब से जो है बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप्स इफ़ेक्ट होती हैं, तो क्रॉप्स की इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स बताई हैं क्रॉप्स को इंश्योर करवाने के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इन इज़ बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ लॉस, ठीक है ना, कि लॉस हुआ है या नहीं इसके ऊपर बेस्ड है। वाइल न्यू पैरामेट्रिक प्रोडक्ट द रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। अब यहाँ पर जो इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं, देखो सबसे पहले कौन सी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसके अंदर लॉस वेरिफिकेशन होता है, जाके देखते हैं, ठीक है ना, इज बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ लॉस, कि देखते हैं कि लॉस हुआ है या नहीं और उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कौन सा है, एक और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना, इज बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट्स, इज नॉट रिक्वायरिंग फील्ड इंस्पेक्शन। अब इसमें दो क्वेश्चंस हैं, क्या कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है कि उसकी क्रॉप भी सही गई फिर भी वो पैसा ले सकता है, ये भी है इसके अंदर, बट फील्ड वेरिफिकेशन नहीं होगी तो जल्दी पैसा आएगा, तो दोनों चीज़ें हैं। तो हमको याद रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम है, इंश्योरेंस ऑफ फसल, फसल इज क्रॉप, ठीक है ना,
बीमा इज़ इंश्योरेंस, तो ये तो नाम में ही पता चल रहा है कि क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है ये, ठीक है ना। आगे चलेंगे, यूपीएससी फाइल्स क्रिमिनल केस अगेंस्ट पूजा खेडकर। तो ये हमने याद करा था ना कि पूजा खेल करके यूपीएससी में घुस गई, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने ओबीसी सर्टिफिकेट में कुछ झोल किया है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ने में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए, तो वो सब चीज़ें जो है वो चैलेंज हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद एक्स फॉरेन सेक्रेटरी विनय कवत्रा इज न्यू एम्बेसडर टू यूएस। मुझे बता सकते हैं कि न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने? ये हमने दो बार पढ़ चुके हैं हम लोग, कॉमेंट्स में बताना, ठीक है। अब जो यूएस न्यू एम्बेसडर टू यूएस कौन है, न्यू एम्बेसडर एम्बेसडर टू यूएसए विनय कवत्रा, कवात्रा यात्रा से याद कर सकते हो, के डब्ल्यू लगा के, ठीक है। उसके बाद टूर दे फ्रांस में, टूर दे फ्रांस जो कि साइकिलिंग का कॉम्पिटिशन है, कौन जीता? तादेज तादेज पोगाकार, पोगो चैनल आता था एक, पोगाकार, पोगो से पोगाकार। उसके बाद दो लोग जो हैं लैंडर पेस एंड विजय अमृतराज, ठीक है ना, ये क्या हो गए हैं, एडेड टू हॉल ऑफ फेम, एडेड टू इंडक्टेड इन, एडेड टू हॉल ऑफ फेम, ठीक है। ये टेनिस प्लेयर्स हैं, हॉल ऑफ फेम में ऐड हुए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस, कौन से इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, ठीक है। तो ये क्या है, 264 पीपल फ्रॉम 27 नेशंस हैव बीन ऑनर्ड विद दिस टाइटल बिफोर, ठीक है ना। तो ये टेनिस प्लेयर्स हैं दोनों, और इनको इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम टेनिस में ऐड किया गया है। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, दिस इज इंपॉर्टेंट। इजरायली ऑक्यूपेशन इन पैलेस्टीन इलीगल, आईसीजे बोल रहा है, आईसीजे इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसके अंदर आईसीजे जो है इसकी एडवाइजरी ओपिनियन है, ठीक है ना, हेग बेस्ड है आईसीजे, ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नॉट क्रिमिनल कोर्ट, मुझे भी लगा था मैंने गलत बोल दिया। आईसीजे इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, हेग में। ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और ये आ जाता है, ठीक है ना। और इसने क्या बोला है, लिख ही देते हैं, आईसीजे सेज इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरी इलीगल, ठीक है ना। तो जो ऑक्यूपाई किया हुआ वो इलीगल है। अब इसके अंदर दिस इज एडवाइजरी ओपिनियन, कोई सुनता नहीं है इनकी, ठीक है। तो लिख लेते हैं एडवाइजरी नॉट ओपिनियन नॉट मैंडेटरी, मतलब सुननी है सुनो, नहीं सुनी तो ना सुनो, ठीक है ना। इजराइल हैज नॉट कंपाइल्ड विद आईसीजे रूलिंग, ठीक है ना, रेजिस्टेड कॉल्स टू रूट द बैरियर अलोंग ग्रीन लाइन द 1949 आर्मिस्टाइस लाइन established after fighting that accompanied Israel establishment, ये लिखेंगे, established after end of fighting that accompanied Israel's establishment, Israel's
ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है। ये पूरा यहाँ पे लिखते हैं इस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे लिखेंगे इस्टेब्लिश्ड आफ्टर एंड ऑफ फाइटिंग दैट अकम्प्लिश्ड इज़राइल्स इस्टेब्लिशमेंट ओ ईयर लेटर। तो मतलब जो इनको बाउंड्री बताई गई थी इसराइल वालों को, उससे मतलब उन्होंने वो फॉलो नहीं करी है, ये हुआ था। ग्रीन लाइन 1949 आईसीजे ने बोला था यहाँ तक कर लो, बट नहीं माना इन्होंने। तो ये आईसीजे का ये है। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर इवान गर्शकोविच वॉज कन्विक्टेड ऑन फ्राइडे ऑफ एस्पेनेज। एस्पेनेज का मतलब क्या होता है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप किसी कंट्री की निकाल रहे हो या किसी चीज़ की, ठीक है। एंड सेंटेंस 16 ईयर्स इन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन ऑन चार्जेज दैट हिज एम्प्लॉयर एंड द यूएस गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड एज फैब्रिकेटेड। तो ये कह रहे हैं यूएस वाले, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के ये कर रहे हैं। तो लिखेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर इवान गर्शकोविच convicted of espionage and sentenced 16 years of imprisonment by Russia। ठीक है ना। अब यहाँ पर कन्विक्टेड का मतलब प्रूवन गिल्टी, एस्पियनेज का मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके जा रहा था कंट्री की, ठीक है ना। कहाँ का ये यूएसए से रिलेटेड हो गया ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% न्यूज़ में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है ना बहुत ही जल्द न्यूक्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो हो चुका है। कह रहे हैं नेक्स्ट वीक तक ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना पा सकता है। ईरान इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजल मटेरियल फॉर यूज़ इन अ न्यूक्लियर वेपन विद इन वन और टू वीक्स, सेज यूएस सेक्रेटरी। द यूएस यूनिलेटरली विदड्रॉ इन 2018 फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील। तो 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, ठीक है ना। और ईरान न्यूक्लियर डील जो 2018 में नहीं हुई थी, 2015 में डील हुई थी, 2018 में यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था। और इस डील में क्या हुआ था, ईरान ने बोला था कि मेरे पास जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है मैं वो आउट कर दूंगा, और इसी चीज़ की वजह से ट्रेड अलाउ हो जाएगी। अभी ईरान के साथ ट्रेड नहीं अलाउड कंट्रीज़ को, तो ये बोला गया था। यूपीएससी चेयरपर्सन जो है मनोज सोनी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। यूपीएससी चेयरपर्सन पर्सन मनोज सोनी क्विट्स, ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया यूपीएससी चेयरमैन। सबसे पहले यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। उनका टेन्योर एंड होता था एंड इन 2029, जॉइंड इन 2017, बट उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। सबमिटेड रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबमिटेड रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। व्हाई रिज़ाइंड, क्यों रिज़ाइन किया, वांट्स टू डिवोट टाइम टू अनुपम मिशन। अनुपम मिशन क्या है, अ ब्रांच ऑफ स्वामी नारायण सेक्ट इन गुजरात। सो ही हैज बिकम अ मंक, सो बेसिकली हैज बिकम अ मंक, हैज बिकम अ मंक, दीक्षा ले लिया इन्होंने। एंड ही सेज मैं ज़्यादा टाइम वहाँ बिताना चाहता हूँ। अब यूपीएससी की बैकग्राउंड बताई हुई है इन्होंने, तो वो लिख लेते हैं। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म हमने लिख ली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला हुआ है कि कमीशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अंडर आर्टिकल 315 टू
3 2 3 पार्ट 14 चैप्टर 11। ठीक है, और इसका काम क्या है, कंडक्ट्स एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूपीएससी ये है, और दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, कि यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यहाँ पे चेयरपर्सन ने क्विट किया है, तो नाम ऑफ चेयरपर्सन जिसने क्विट किया है किसको एप्लीकेशन दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से सारा ही याद करना है, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेवी और आर्मी चीफ को, नेवी एंड आर्मी चीफ, नेवी चीफ एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी एंड आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी प्रेजेंटेड परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है ना, इनके नाम भी याद हो गए और इनको ये मेडल भी मिला, ये भी याद करना है। इन फर्स्ट बिहार अनवेल्स कि फिल्म प्रमोशन के लिए बनाने के लिए जो सिक्योरिटी वगैरह चाहिए उसके लिए ये लोग स्कीम निकाल के आए हैं। बिहार कम्स अप, बिहार सिंपली, बिहार क्या लेकर आया, बिहार जो है, ठीक है, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी कि बनानी है फिल्म, प्रमोशन करनी है तो एक जगह से ही परमिशन लो और वहीं से आपको सारी सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो ये बिहार लेकर आया। उत्तराखंड हाईकोर्ट अलाउज प्रोटेक्शन टू इंटरफेथ लिव इन कपल अंडर UCC। तो उत्तराखंड इज द ओनली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू हैव UCC। UCC इज गिवन इन आर्टिकल 44 जो कहता है कि यूनिफॉर्म लॉज होंगे, मतलब मैरिज डाइवोर्स इन सब को लेकर, आपका रिलीजन जो मर्जी है, यूनिफॉर्म लॉज होंगे। उत्तराखंड ने ये एप्लीकेबल किया है, तो यहाँ पर इंटरफेथ कपल, एक हिंदू एक मुस्लिम है, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है उत्तराखंड में। ठीक है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है लिव इन कपल्स वालों को। SC टू हियर प्ली टू प्रोब क्विड प्रो क्यू वाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज गिवन टू अ पर्सन इन रिटर्न ऑफ समथिंग। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है SBI जो है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इशू कर सकता था। ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेशन, डिफरेंट अमाउंट के। ठीक है, और ये जो है ये सिर्फ जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए ये होता था। कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेशन के तौर पे दे सकता था, और इसका सबसे बड़ा लूप ये था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अनॉनमस रहती थी। अनॉनमस मतलब सीक्रेट रहती थी, पता भी नहीं चलता था कि किसने क्या किया है। अब इसमें केस हुआ है कि क्या ऐसा हुआ कि यू नो गवर्नमेंट इन पावर में किसी की फेवर कर दी और इस चैनल के थ्रू पैसा आया, तो ये देखना है इनको। ठीक है ना, SC टू हियर। अब इसमें अ केस seeking constitution of investigation team to see if quid pro quo happened through electoral bonds. अब क्विड प्रो क्यू क्या आता है, समथिंग दैट इज गिवन टू अ पर्सन इन रिटर्न ऑफ समथिंग दैट इज गिवन टू द पर्सन इन रिटर्न ऑफ समथिंग। ठीक है ना, तो ये कुछ उल्टा तो नहीं हो रहा था। अब ये केस किसने फाइल किया, केस फाइल्ड बाय Common Cause and Center for Public Interest Litigation।
ठीक है ना, इन्होंने फाइल किया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये अनोनमस इन्फॉर्मेशन रहती थी, कहीं ये तो नहीं हो रहा था कि गवर्नमेंट इन पावर किसी को फेवर कर रही थी और पैसे यहाँ से ले रही थी इस चैनल से। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना है, लॉगरी डॉट इन पर जा सकते हैं। एंड यस, जून की जो कंपाइलेशन है, आपको पार्ट वन जो है वो परसों तक आ जाएगा, एंड पार्ट टू और थ्री भी आ जाएंगे, एंड जून जुलाई की भी डल जाएंगी। दैट्स इट, लॉगरी एजुगिरी साइनिंग ऑफ। अगर अच्छा लगा हो तो कॉमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।